हरे कृष्णा। आज हम बताने वाले हैं यूएस स्टडी वीजा के गैप जस्टिफिकेशन को लेकर या यूएस स्टडी वीजा गैप पॉलिसी को लेकर। गैप मतलब स्टडी गैप, कि आपकी लास्ट एजुकेशन जो भी रही, चाहे वो आपने ट्वेल्थ करा या आपने बैचलर्स करा, अब आप अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स के लिए जा रहे हो, तो लास्ट एजुकेशन और फर्दर एजुकेशन के बीच में आपने जो एजुकेशन नहीं ली थी उसको बोलते हैं हम लोग स्टडी गैप। जनरली बाकी कंट्रीज में, मतलब यूएस के अलावा बाकी कंट्रीज के अंदर गैप को लेकर एक काफी सारा एक इशू रहता है कि हम कंट्री टू कंट्री, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी होता है कि इतना गैप वो एक्सेप्ट करेंगे या इतना गैप नहीं करेंगे। पर यूएस के अंदर एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, यूएस गवर्नमेंट या यूएस यूनिवर्सिटीज की जो पॉलिसीज हैं वहां पर क्या होता है यूएस के अंदर, कि स्टूडेंट एक पढ़ रहा है, उसने अपनी एक एक्स एजुकेशन पूरी करी, उसके बाद उसने ब्रेक ले लिया। अब वो ब्रेक कुछ भी रीजन हो सकता है, कि उसको कुछ काम करना है, उसने कुछ अपनी हॉबी पे फोकस करना है, उसको पर्सनली फैमिली को टाइम देना है, या वो ट्रैवल पर है, किसी भी रीजन से विद इन द यूएस स्टूडेंट्स ने अपने एजुकेशन में गैप लिया, अपनी जो भी रीजन से गैप लिया उसको पूरा करा, एंड देन दे विल कम बैक एंड रीस्टार्ट देयर एजुकेशन। तो इसलिए यूएस के अंदर गैप को लेकर बड़ा इशू नहीं होता। बहुत आपको हैरानी होगी कि यूएस स्टूडेंट वीजा में अगर आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने जा रहे हो और आपके बैचलर्स के बाद आपका 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का भी गैप है, तो भी यूएस यूनिवर्सिटीज आपके गैप को एक्सेप्ट करती हैं और आपको I-20 इशू कर देती हैं। यहां पर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। यूनिवर्सिटी गैप को क्यों करेगी एक्सेप्ट? आपको अपने एसओपी के अंदर एक जस्टिफाइड रीजन देना पड़ता है कि आपने ये 10-15 साल में क्या करा है, क्यों करा। सेकेंड, आपका जो सीवी होगा वो आपके एसओपी के सपोर्टिव या सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इन केस अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस लेटर दिखा रहे हैं अपना आप, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूं। अब अच्छी बात ये है कि यहां पर वो आपसे ये नहीं मांगेंगे कि हमें सैलरी अपने अकाउंट में दिखाओ, हमें फाइनेंस दिखाओ, नहीं, आपने एक्सपीरियंस लेटर दिखा दिया, सीवी दिखा दिया और एसओपी में मैं लिख दिया दैट इज मोर देन इनफ टू गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, टू गेट एन I-20 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। पहला पॉइंट कि आपको एसओपी, सीवी और कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लगाना है अपने गैप को जस्टिफाई करने के लिए। आपने बोला कि मैं अपनी कोई हॉबी परस्यू कर रहा था, तो जो भी आप हॉबी परस्यू कर रहे थे अपनी, उस हॉबी का कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई डिप्लोमा होगा, कोई कोर्स कंप्लीशन होगा, कोई भी चीज आपने अपनी हॉबीज में करी उसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लगा दिए आपने, तो एनी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ सीवी एंड एसओपी के बेस पर आपको ऑफर लेटर और I-20 आ जाता है। सेकेंड, अब I-20 आ गया, अब जो इंपॉर्टेंट है वो है एम्बेसी के अंदर फेस टू फेस इंटरव्यू। नाउ वीजा काउंसलर मे और मे नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन इस गैप को लेकर। तो आपने जो चीज जेन्यूनली करी है, जो चीज आपने यूनिवर्सिटी को मेंशन करी है अपनी एसओपी में और सीवी में, उस चीज के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उस चीज के लिए आपको प्राउड होना चाहिए, और बिल्कुल नेचुरल वे में आपको वही चीज वीजा काउंसलर को भी समझानी है। अब वो लोग खुद इस बात को समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स गैप लेते हैं और हम उस गैप को मानते हैं, तो इसलिए गैप अगर आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल का भी गैप है तो यूएस में एक्सेप्टेड है, प्रोवाइडेड एसओपी, सीवी और आप इंटरव्यू में नेचुरल वे में उसको एक्सप्लेन कर सकें, तो यूएस गैप को लेकर इशू नहीं है। हम यूएस स्टूडेंट वीजा बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांगली करते हैं, रेगुलर वीजा आते हैं, इन्विटेशन आते हैं, I-20 आता है, बहुत ईजी हो रहा है। एक यूनिवर्सिटी यूएस की ऐसी है जिनके की हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर को लेकर है। आप में से जो जो यूएस स्टूडेंट वीजा करने चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिसेस के नंबर दिए गए हैं। हमारे ऑफिसेस दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, न्यू दिल्ली, हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। नीचे नंबर्स पे कॉल करें, अपना यूएस स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस शुरू करें। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।